और दोस्त क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीपीए मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में मेजरली क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बिगिनर जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो उनको ये मन में डाउट होता है कि क्या वो सीपीए मार्केटिंग से स्टार्ट करें या अफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट करें, कौन सा बेटर है दोनों में से, दोनों में से पे आउट कौन सा ज्यादा देता है, जल्दी पे आउट कौन सा देता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर जानना चाहते हो कि सीपीए मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है तो दोनों वीडियो मैंने पहले डिटेल में बनाई हुई है, तो आप जाके देख लेना, मैं आई बटन में दे दूंगा। उन दोनों वीडियोस में मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो उन दोनों वीडियोस को पहले देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि सीपीए मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो अब बात करते हैं मेजर डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है पे आउट का। सीपीए मार्केटिंग में आपको कम पे आउट मिलता है, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको ज्यादा पे आउट मिलता है। सीपीए मार्केटिंग में जैसे ऑफर्स होते हैं ईमेल सबमिट ऑफर्स, तो इसमें आपको $1, $2, या $3 तक मिल सकता है, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में आपको $200, $300, $400 तक भी मिल सकता है किसी प्रोडक्ट की सेल करवाने पर। तो दोस्तों जो दूसरा डिफरेंस होता है वो है इजीनेस का। सीपीए मार्केटिंग इजी होती है एज कम्पेयर टू अफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था कि आपको पे आउट कम मिलता है सीपीए मार्केटिंग में, तो इसका मतलब है कि वो इजी है तभी आपको पे आउट कम मिल रहा है, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में आपको पे आउट ज्यादा मिलता है इसलिए वो डिफिकल्ट होती है। सीपीए मार्केटिंग में ऑफर जैसे कि पेपर कॉल ऑफर, ट्रायल रन ऑफर, ईमेल सबमिट ऑफर, इनमें कन्वर्जन काफी जल्दी आ जाता है, बट अगर आप किसी प्रोडक्ट की सेल करवाओ तो कन्वर्जन काफी लेट आपको देखने को मिलेगा। जो तीसरा डिफरेंस है वो है पे आउट कितने टाइम के बाद मिलता है। तो सीपीए मार्केटिंग में आपको पे आउट 1 हफ्ते में मिल जाता है, बहुत सारे नेटवर्क्स 1 वीक में दे देते हैं, बट अफिलिएट मार्केटिंग में आपको पे आउट 1 महीने या 2 महीने के बाद मिलता है। तो सीपीए मार्केटिंग जल्दी पे आउट ऑफर करता है आपको एज कम्पेयर टू अफिलिएट मार्केटिंग। जो चौथा डिफरेंस है वो है नेटवर्क ज्वाइनिंग का। सीपीए मार्केटिंग के नेटवर्क ज्वाइन करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अफिलिएट नेटवर्क। इसमें आपको फोन इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है, जैसे कई नेटवर्क है मैक्स मोन्टी बी एफ्लाई, तो इनमें आपको फोन इंटरव्यू देना पड़ता है। बट अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क जो भी होते हैं उनमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, जैसे कि क्लिक बैंक, शेयर से आप इनको इजिली ज्वाइन कर सकते हो। जो अगला डिफरेंस है वो है अफिलिएट मैनेजर का। सीपीए मार्केटिंग में आपको एक डेडिकेटेड अफिलिएट मैनेजर मिलता है आपका, जिसको आप पूछ सकते हो कि कौन से ऑफर अच्छे चल रहे हैं, कौन से ऑफर बिंग पर अच्छे चल रहे हैं, गूगल पर अच्छे चल रहे हैं, फेसबुक पर अच्छे चल रहे हैं, बट अफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोई भी डेडिकेटेड आपका अफिलिएट मैनेजर नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग और सीपीए मार्केटिंग में मेजरली क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट करो। जब आपको ट्रैफिक सोर्सेज, लैंडिंग पेजेस, ये सब ट्रिक्स पता चल जाए, स्ट्रेटजीज पता चल जाए, तब आप अपने बिजनेस मॉडल को सीपीए मार्केटिंग से अफिलिएट मार्केटिंग पर शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।